क्लास सिक्स में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। 6.3 एक्सरसाइज हम ले रहे थे, इंटीजर्स से रिलेटेड है एक्सरसाइज 6.3 इंटीजर्स, और इसके हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इसी में ए पार्ट, पार्ट ए केयरफुली देखना है आपको इनको। -8 प्लस रोटेट इक्वल टू 0 कि इनकी -8 में क्या ऐड करें हम, कि क्या आ जाए प्लस 0, सॉरी 0 में कन्वर्ट हो जाए। -8 प्लस डॉट इक्वल टू 0, तो -8 तो -1 1 1 1, ये 8 टाइम आपको राइट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें प्लस 1 ऐड करें, ये कैंसिल, प्लस 1 अगेन कैंसिल, +1 +1 +1 +1 +1 +1, यानी ये कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। तो सो डेट इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, +8, तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे +8, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा +8 आपके पास आएगा। -8 + 8 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर बी आपके पास 13, बी नंबर है 13 यानी 13 +13 एंड प्लस इक्वल टू 0, +13 +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें हम क्या एडिंग करेंगे, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, प्लस माइनस कैंसिल, कैंसिल होते जाएंगे, प्लस माइनस इक्वल टू 0, यानी +13 है तो इसमें -13 हम एडिंग करेंगे, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा -13 इसमें एडिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आपके पास आ जाएगी। +13 -13 इक्वल टू 0। सी नंबर का देखो क्वेश्चन, इसमें -12 है एंड +12 का एडिंग सम ऑफ है, -12 है +12 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी -12 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट है +12 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इनको हम कट करें, 0 कट करें, 0 0 0 0 होते जाएंगे कट करते, तो आपके पास जो वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 0, यानी कि माइनस एंड प्लस में सेम डिजिट है तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। 12 में से 12 को लेस करेंगे 0, 13 में 13 को लेस किया 0, 8 माइनस 8 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डी क्वेश्चन, डी नंबर का जो क्वेश्चन है वो है -4 -4 + -12, इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी आपके पास -12, और ये कब है पॉसिबल, जो -4 में माइनस की हम डिजिट सम ऑफ लें, जैसे -4 1 2 3 4, अब -12 है आपको इसको कंप्लीट करना है -12 है, तो इसमें क्या एडिंग करें हम, तो इसमें आपको एडिंग करना पड़ेगा -8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका आप टोटल सम ऑफ कर लो, 8 तो ये हो गए माइनस के और -4 ही, तो -12 सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या होगा एडिंग हो, जो प्रीवियस वीडियोस में जो रूल था
उसी रूल के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 12। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, माइनस 8, ब्लैंक्स में आएगा माइनस 8 आपके पास। नेक्स्ट है ई, ई आपके पास ई नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ब्लैंक्स प्लस माइनस 15 इक्वल टू माइनस 10। माइनस 10 कब आएगा, माइनस 15 में से, माइनस 15 में क्या ऐड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ओनली आपके पास कितने आने चाहिए, माइनस 10, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनको आपको सेविंग रखना है और इनको यहां से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें प्लस की डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, +1, +1, +1, +1, +1, प्लस माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर यहां से कितना आ जाएगा, +5, 1, 2, 3, 4, 5, जिसका आंसर आपके पास क्या आएगा, +5, +5 हम इसमें एडिंग करेंगे, यानी 15 में से 5 को लेस करेंगे तो -10 इसके रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन नंबर है लास्ट, फोर्थ क्वेश्चन 6.3, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड करना है, यानी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करनी है -7, -7, -8 and -25, -20। और फर्स्ट में देखो यहाँ सेम साइन है, क्या है, सेम साइन है, तो इनका प्रोडक्ट हम लेंगे, इनका मल्टीप्लाई हम लेंगे, -(-), -(-), कन्वर्ट इन प्लस। तो सॉल्यूशन में -7, -8 and +25, यानी -(-), कन्वर्ट इन प्लस, सेम साइन का प्रोडक्ट हम लेते हैं, -(-), कन्वर्ट इन प्लस, +(+), कन्वर्ट इन ओनली प्लस, -(+), कन्वर्ट इन माइनस, एंड +(-), कन्वर्ट इन माइनस। ये आपको साइन प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट, यहां से सेम साइन है, -7, -8, तो सेम साइन है तो क्या करेंगे, यहाँ एडिंग, तो इसका एडिंग करेंगे, -7, -8 = -15, यानी -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, फिर -8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनका टोटल करेंगे तो -15, तो -15, +25। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन देखो, यहाँ साइन सेम नहीं है, प्लस माइनस है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, यानी जब साइन सेम है, ये बोथ साइन है, तो क्या हो जाता है, एडिंग, और साइन सेम नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ, सब्ट्रैक्ट, ये दो बात आपको याद रखनी है। तो 25 में से 15 को लेस कर दो, 25 - 15 = 10, इसके जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएंगे 10। इन क्वेश्चनों को नोट भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, बी, बी नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखो, बी नंबर का क्वेश्चन आपके पास -13, -13, +32, -8, -1, तो सेम साइन देखो यहां, -13, -8 और -1, तो इन सेम साइन का क्या होगा, एडिंग हो जाएगा, -13, -8 और -1, सम ऑफ इसका करो, 8 + 3 = 11 + 1 = 14, 1, 1, तो -24, इसका एडिंग आपके पास कितना आ गया, माइनस की जो डिजिट है उनका -22, 8 + 1 = 9, 9 में 13 को ऐड करेंगे तो -22, एंड +32, अगेन इनके साइन सेम नहीं है, साइन सेम नहीं है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और सेम साइन है तो क्या लेंगे यहां, एडिंग, तो अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, 32 - 22,
32 माइनस 22, 32 में 22 को लेस करो प्लस 10 आंसर, इसके भी क्या आ गए प्लस 10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, सी क्वेश्चन आपको फोर्थ का पार्ट सी, माइनस 7 माइनस 8 प्लस माइनस 9, तो यानी माइनस 7 प्लस माइनस इनटू होने पर माइनस प्लस इनटू माइनस, यहां ब्रैकेट है सो डेट इसका प्रोडक्ट यहां फाइंड करेंगे, प्लस इनटू माइनस कन्वर्टिंग माइनस, प्लस इनटू माइनस कन्वर्टिंग माइनस 8 माइनस 8 प्लस इनटू माइनस माइनस, ऑल साइन आर इक्वल, सबके साइन इक्वल है सो डेट इनका सम ऑफ आप ले लो 98 एंड 7 तो 105 एंड लास्ट रिमेनिंग साइन माइनस 105 इसके रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट डी नंबर का क्वेश्चन डी है 50 माइनस माइनस 40 माइनस 2 माइनस माइनस 2, अब यहां पे साइन का फर्स्ट में प्रोडक्ट लेंगे, साइन का प्रोडक्ट लेंगे माइनस इनटू माइनस कन्वर्टिंग प्लस, तो 50 प्लस माइनस इनटू माइनस कन्वर्टिंग प्लस, 40 माइनस इनटू माइनस कन्वर्टिंग प्लस 2, अब इनका होल साइन आर इक्वल, होल साइन आर इक्वल है जस्ट क्वेश्चन सी के लाइक है, तो होल साइन आर इक्वल सो डेट एडिंग 50 प्लस 40 90 प्लस 2 92, इसका रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा 92, तो यह आपके 6.3 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हम लेंगे चैप्टर नंबर 7, नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, उस चैप्टर नंबर 7 में आपके आएगा फ्रिक्शंस, क्या रहा है उसमें फ्रिक्शंस, चैप्टर नंबर 7 में आपके फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के टू पार्ट होते हैं न्यूमेरेटर एंड डिनोमेटर, यानी कि रेशियो ऑफ न्यूमेरेटर एंड डिनोमेटर इज कॉल्ड फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में क्या होता है आपके न्यूमेरेटर एंड डिनोमेटर, न्यूमेरेटर पार्ट कौन सा रहता है जो वो पार्ट होता है न्यूमेरेटर, एंड जो ग्लो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं डिनोमेटर्स, तो ये क्या हो जाएगी फ्रैक्शन, जैसे 2/3 है 2/3 तो 2 इज न्यूमेरेटर एंड 3 इज डिनोमेटर्स, ये आ जाएगा जैसे माइनस 2/3 न्यूमेरेटर एंड डिनोमेटर, यानी पॉजिटिव फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन, ओनली वन साइन है माइनस तो नेगेटिव फ्रैक्शन, तो इस टाइप से हम चलेंगे। अब नेक्स्ट हम लेते हैं 7.1, 7.1 कौन से लेंगे 7.1 एक्सरसाइज आपके 7.1, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट द फ्रिक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, राइट द फ्रिक्शन, राइट द फ्रिक्शन रिप्रेजेंटिंग representing the shaded portion, the shaded portion, इसमें shaded portion आपको write करना है, friction के according आपको shaded portion करना है, जैसे देखो इसके अंदर write the friction write करनी है shaded portion में से, first इसमें इस प्रकार से इसमें शेडेड पोर्शन आपके पास ये पार्ट शेडेड है, ये पार्ट शेडेड है एंड ये पार्ट भी शेडेड है, ये शेडेड है, इसको आपको जो पेंसिल है पेंसिल से शेडेड यहाँ करना पड़ेगा, पेन से नहीं करना ओनली पेंसिल से, जो अभी फेयर नोटबुक्स हैं उसके अंदर होमवर्क की जो नोटबुक, अब इसमें टोटल पार्ट आप काउंटिंग करो, इक्वल पार्ट है क्या टोटल 1 2 3 4, टोटल पार्ट कितने 4, टोटल पार्ट इज इक्वल टू 4, टोटल पार्ट है 4, शेडेड पार्ट 2 पार्ट्स,
शेडेड पार्ट कितने हैं इसमें? टू। अब इसके आपको फ्रैक्शन बनानी है, क्या बनाने इसमें? फ्रैक्शन। अब इसकी फ्रैक्शन हम लिखेंगे, फर्स्ट में क्या लिखेंगे? शेडेड पार्ट, इसका ये फ्रैक्शन का ये बनेगा फॉर्मूला, शेडेड पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट। टोटल पार्ट में से शेडेड पार्ट कितने हैं वो ले लो, टोटल पार्ट्स, शेडेड पार्ट्स डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स आपके पास 4 है, शेडेड पार्ट है 2, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 2/4। कौन सी बनेगी? 2/4। और अब हम नेक्स्ट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो इससे कौन सी डिजिट है जिससे हम इसको कट कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। तो इसको आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 1 2 और 2 2 4, इसका क्या आ जाएगा? 1/2 आंसर, 1/2 आंसर। सेकंड देखो इसमें, इसको नोट करना है आपको, और जो ये शेडेड पार्ट ये बनाना है तो ओनली पेंसिल का यूज करते हुए आपको चलना है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, रेक्टेंगल शेप है, इक्वल पार्ट है यहां 1 2, टोटल पार्ट है कितने आ गए? 9 पार्ट। टोटल पार्ट है 9, और 9 में से शेडेड देखो, ये पार्ट भी शेडेड है, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, ये पार्ट भी शेडेड है आपके पास, ओनली 1 पार्ट यहां पे शेडेड नहीं। तो टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पार्ट्स है आपके पास 9। शेडेड पार्ट्स, शेडेड पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स कितने हैं शेडेड है इसमें? 8 पार्ट्स, ये 8 पार्ट्स। तो इसकी फ्रैक्शन हम यहां राइट करेंगे, तो फ्रैक्शन इक्वल टू फॉर्मूला क्या लेंगे? शेडेड पार्ट बाय टोटल पार्ट्स, शेडेड पार्ट्स बाय टोटल पार्ट्स। तो शेडेड, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट इक्वल टू 8/9। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, 8 यानी देखो 8/9 यानी कि कौन से ऐसे टेबल है जिससे दोनों डिवाइड हो, तो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो इसके रिक्वायर्ड आंसर यही रहेंगे 8/9। थर्ड क्वेश्चन है इसी का, थर्ड क्वेश्चन है आपके, ये रेक्टेंगल शेप में है, टोटल इसमें 8 है, सर्किल कितने हैं? 8। एट सर्किल है, 8 में से ओनली 4 यहां शेडेड है, इस प्रकार से 4 यहां शेडेड है, ये 4। तो टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स इक्वल टू 8 शेडेड पार्ट्स, शेडेड पार्ट ओनली 4। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 4/8 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्वल टू 4/8 यानी शेडेड पार्ट बाय टोटल पार्ट्स। फॉर्मूला यह यूज किया है, 4/8 किस टेबल से कट हो रहा है? 4 से, तो 1/2, इसको 4 की टेबल से कट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ करने हैं, बाकी के क्वेश्चन है जो इसमें वो आपको सेल्फ करने, यानी क्वेश्चन 3 तक मैंने आपको समझा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेल्फ करो। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, सेकंड क्वेश्चन है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, कलर द पार्ट, कलर द पार्ट, पार्ट में कलर आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू द
given friction. फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें पार्ट कलर करने हैं। जैसे फर्स्ट है 1/6, टोटल पार्ट इसमें 6 है आपके पास, सॉरी ये नहीं है, इस प्रकार से बिटवीन है, बीच में से जा रहा है इसमें, टोटल पार्ट आप काउंटिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पार्ट हो गए। फिर इसमें आंसर है इसके अंदर 1/6, 1/6 है तो कौन सा एसेडेड पार्ट, ओनली 1 पार्ट, तो आप इनमें से कोई भी एनी 1 पार्ट इसमें सेडेड आप शो कर सकते हो, 1 पार्ट ये भी कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक सेडेड पार्ट आप कर सकते हो, तो 1/6। सेकेंड है 1/4, जो फर्स्ट फिगर थी उसके अपोजिट फिगर है, इस टाइप से फिगर है, आप यूजिंग स्केल से इसको बना सकते हो। टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, टोटल पार्ट है 4, 4 में से ओनली 1 पार्ट सेडेड है, 1/4 है इसके, तो ओनली 1 पार्ट को आपको सेडेड शो करना है, तो 1 पार्ट एनी पार्ट एनी 1 पार्ट आप सेडेड, इसको भी सेडेड दिखा सकते हो, इसको भी या इसको, एनी 1 पार्ट, इस पार्ट को मैं यहां सेडेड मैंने शो कर दिया, तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड है 1/3, 3 इक्वल पार्ट है 1, 2, 3, तो इसमें से 1/3, तो 1 पार्ट को इक्वल दिखा सेडेड आपको शो करना है, तो एनी वन पार्ट आप सेडेड यहां शो कर सकते हैं, यानी 1/3 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो आपको सेल्फ कंप्लीट करनी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इरर आपको शो करना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इरर, क्वेश्चन नंबर थर्ड है और थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इरर इफ एनी, आइडेंटिफाई द इरर्स, the error if any first is mein is prakar se show kar rakha hai to kya ye equal part hai kya, to yahan par equal part nahi hai, yani not equal part, yani ki jo both part hai ye equal part nahi hai, yani yahan par aap likh sakte ho both parts are not equal, बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल, यानी इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में शो करना, तो ये इसमें एरर आ गई कि बोथ पार्ट है वो क्या है, इक्वल नहीं है, यानी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रखा है, और इसका आंसर है कि दिस इज 1/2 है क्या, ये 1/2 नहीं है, यानी ये पार्ट तो यहां पर क्या है ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, इन दोनों में बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल, इक्वल पार्ट नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है। सेकंड में भी ऐसे आएगा, ओनली 1/4 गिवन है, तो ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल, नेक्स्ट में 3/4, अब 3/4 वाला एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स, व्हाट फ्रैक्शन What fraction of a day is 8 hours? यानी कि टोटल डे, तो टोटल डे में कितने hours होते हैं? टोटल 24 hours. यानी कि in one day is 24 hours. यानी one day solution में हम चलेंगे. One day is equal to कितने आते हैं? 24 hours. Required hours हमारे पास 8 hours. Fraction हमारे को बनानी है इसमें, तो fraction इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/24.
हॉर्स हॉर्स कट हो गए। एंड 8 एंड 24 को किस टेबल से हम कट कर सकते हैं? 8 के टेबल से। तो 8 वन जा 8, 8 थ्री जा 24, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 1/3। इसकी फ्रैक्शन आपके पास क्या रहेगी? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला और देखो लास्ट क्वेश्चन इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फाइव वाला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, इज 40 मिनट्स, यानी 40 मिनट्स 1 आवर्स के कितना फ्रैक्शन है, ये आपको फाइंड करना है। तो 1 आवर्स यानी 1 आवर्स में कितने मिनट्स रहेगी? 60 मिनट्स। अब 60 मिनट में से रिक्वायर्ड मिनट है आपके पास 40, तो सो डेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जो इसकी फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी आपके पास? 40 बाई टोटल, टोटल आपको डिनोमेटर्स में शो करना है, तो 40 बाई 60, 0 से 0। नेक्स्ट इसको कट करें 2 टेबल से, तो 2/3, तो इसकी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो आ जाएगी 2/3। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं आज। नेक्स्ट वीडियोज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लेंगे।